सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग संगत देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरी ग्रोवर। अज दिन है वीरवार 30 सितंबर 2021 ते देसी अस्सू महीने की मिति है 15 ते प्रोग्राम में सारे नाल मौजूद ने साडे सीनियर पत्रकार बलविंदर सिंह जम्मू जी। जम्मू जी, थोड़ा प्रोग्राम में स्वागत है। ते सब तो पहला असं रुख करते हैं अज प्रमुख खबरों वाल। प्रमुख खबरों दसन तो पहला असं तुहानू दस दिए कि इस वेले तुसी संगत टीवी ते साडा लाइव प्रोग्राम वेख रहे हो गुड मॉर्निंग संगत। जेकर तुसी भी साडे नाल प्रोग्राम विच लाइव जुड़ना चाहते हो, जम्मू जी तो कोई सवाल पूछना चाहते हो या फिर अपने कोई विचार साझा करना चाहते हो, तो थले स्क्रीन ते नंबर दिए गए ने, तुसी उत्थे सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हूँ नाचदियां प्रमुख खबरां। मुख्यमंत्री चन्नी ते सिद्धू की मीटिंग 3 बजे, मसले हल होणगे। पंजाब दे लोकां नू इलाज लई केजरीवाल वल्लों मुफ्त इलाज करन दा वादा किया गया। कैप्टन ते अमित शाह की मीटिंग की रंग लियाएगी। केजरीवाल वल्लों भ्रिष्टाचार मुक्त सरकार देण दा वादा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग सदन की मंग। जम्मू जी, सब तो पहला असी जिहड़े भगवंत मान ते केजरीवाल लुधियाना विच प्रैस कॉन्फ्रेंस नू संबोधन कर रहे ने, उह असी वीडियो अपने दर्शकां नाल सांझी करना चाहुंदे आ। सानू इधर उधर कित होर इलाज वास्ते नहीं जाना पेगा, इतें इलाज वधिया सस्ता मुफ्त। तो तुसी यकीन करो, तुसी तो रोज़ कवर करते रहने हो, सरकारी हस्पतालां दियां एक्सरे मशीनां च कबूतरां दे आलने ने। सरकारी हस्पतालां दियां मशीनां चलदियां नहीं। मैं एमपी लैड चों संगरूर हल्के नूं वेंटीलेटर कोरोना टाइम च मैं दिते, पर उन्हां वेंटीलेटर नूं चलाउण वाले मुलाजम है नहीं, डॉक्टर है नहीं, ते इहदे करके उह बेकार पए ने। एंबूलेंसां दिंदे आ, कहिंदे ड्राइवर है नहीं जी साडे कोल, एंबूलेंसां खड़ियां ने। मतलब सरकारी हस्पताल सिर्फ वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। केजरीवाल का कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों के बीच बंटी गई है। हुण एक कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो मौजूदा सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी वो खुद को आम आदमी करके प्रेजेंट कर रहे, मतलब जो आइडिया आइडियोलॉजी है वो भी कितने हाईजैक हो रही है। वो ये कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि भाई चन्नी साहब हमारी नकल कर रहे हैं, यही कह रहे हैं आप। केजरीवाल की नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। मैं एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं। जब पहली बार मेरी 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में 32 अफसरों को जेल भेजा था जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, हंगामा मच गया था दिल्ली के अंदर। आज मैं नहीं कह रहा, आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और दागी अफसरों को बड़ी से बड़ी पोस्ट दी जा रही है। अमल करना मुश्किल है। एक मिनट, मेरे एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे पास किसी ने ऑडियो टेप भेजी व्हाट्सएप पे, उसमें मेरा एक मंत्री दूसरे किसी बंदे से 5 लाख रुपए मांग रहा था। भाई साहब, 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उस मंत्री को सस्पेंड कर दिया और सीबीआई को केस भेज दिया। आज आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब के मंत्रिमंडल के अंदर दागी मंत्री हैं, उनकी पार्टी के अंदर दागी विधायक हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि केजरीवाल की नकल करने के साथ साथ उस पर अमल करने का साहस और हिम्मत लेके आई है। केजरीवाल साहब, एक सबसे बड़ा जो सवाल था बेरोजगारी का, केजरीवाल साहब इधर इधर बोलिए 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 एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा इशू पंजाब में है, और पंजाब में आपको पता कितने परसेंट आ रहे हैं बेरोजगारी की, और दिल्ली में आपकी सरकार बनने से पहले कितनी बेरोजगारी थी, कितना आपने उसको दिया। दूसरा, एसपीआई के मुद्दे पे क्या कहना होता? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। बेरोजगारी को लेके हमने कई सारे कदम उठाए हैं। अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली में बेरोजगारी खत्म हो गई, ये गलत होगा, लेकिन आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। अभी कोरोना के टाइम में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जी, जब मुझे ऐसी हमने वीडियो देख रहे थे जिस विच भगवंत मान ते केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधन कर रहे थे लुधियाना विच। जी देखो, आज दूसरा दिन सीगा जदों केजरीवाल पंजाब आए, कल आए सी, कल 1:30 बजे उन्होंने चंडीगढ़ लुधियाने गए। हाँ जी।
आड़ती मीटिंग की जेडे कारोबारी से उन्होंने मीटिंग की उस तो बाद वो चंडीगढ़ भजे है तो इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वापस दिल्ली चल गए। अज फिर वो आए अज फिर उन्होंने अपना जोड़ा काम काज है थोड़ा बड़ा उत्ते किया तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवंत मान तो केजरीवाल ने की उन्होंने कई सारे वादे किए भी पंजाब नूं जिहड़ा ना असीं भ्रिष्टाचार मुक्त बना देंगे दिल्ली भ्रिष्टाचार मुक्त बनाती है पंजाब नूं भ्रिष्टाचार मुक्त बना देंगे पंजाब नूं बहुत शानदार बना देंगे। देखो कुछ गल्लां दिल्ली दे विच होईआं इहनां तों कोई इनकार नहीं कर सकदा सेहत ते सिक्ख्या दे विच सुधार होया उत्थे मुफ्त इलाज उत्थे होया पंजाब दी ट्रेजडी वक्खरी है पंजाब दा दुखांत वक्खरा है पंजाब दे विच जिन्नियां सक्सेसिव सरकारां आईआं वो उन्हां दे MLA अफसरशाही मुख्यमंत्री तक भ्रिष्टाचार दे विच लिप्त रहीआं जिहड़ा इंसाफ देना सीगा जिहड़ा इन्हां ने कहा राजनी सेवा सेवा वाले किते लभदे ही नहीं रहे सेवा वाले तां मेवा खाण ते लगे रहे भावें वह पिछली सरकार सी भावें ये सरकार सीगे ये सरकार दे मुख्यमंत्री तां मिलदे ही नहीं सी किसे नूं इन्हां अपने मंत्रियों नहीं मिलते MLA नहीं मिलते अल्टीमेटली इहदा कारण यह होया कि इन्हां नूं सत्ता तो पासे हटना पिया जिहड़े नवें लाए आ उन्हां दे वो आम लोगों नूं तो मिल रहे पर उन्हां कोलों 3 महीने जो की कुछ करनगे मतलब वो अजे सवाल जिहड़ा वो बहुत वड्डा हैगा वी वो किधर नूं जाणगे ते उन्हां नूं आउंदे मुसीबतां जिहड़ियां वो कट्ठियां आ गईआं सरकार नूं अजे दस देण नहीं होए ते जिहड़े प्रधान सीगे नवजोत सिंह सिद्धू वो अस्तीफा दे के घर बैठ गए मतलब ये तो ये भाई जो घर का जो मुखी है ना तो वो ही अस्तीफा दे के रुस के बह जाए हाँ भी कौन मनाए उन्हें मतलब जिन्हें बाकियों नूं मनाउणा है वो आप ही रुस बैठा मतलब यहो जी स्थिति जिहड़ी आ होई गल असी केजरीवाल की कर रहे उन्होंने 3-4 गल्लां कहीआं उन्होंने उहदे च भी असी जे सानू लियाओगे तो असी आ कुछ करांगे उन्होंने सब तो वड्डी गल सेहत की की नौकरियां देण की गल की उन्होंने कहा भी करोना काल दे विच दिल्ली दे विच बहुत नौकरियां चले गईआं सी असी 10 लाख नौकरियां देण च कामयाब होए नौकरियां मिलियां चंगी गल हैगी क्वेश्चन ये है भी किहड़े सैक्टर च नौकरियां मिलियां किहो जिहा नौकरियां मिलियां ये मामले आ उन्होंने उही नौकरियां कहा भी पंजाब च देवांगे तो पंजाब दे विच नाल उन्हें एडमिट भी किया भी दिल्ली दे विच जिहड़ी है ना इसका मतलब ये नहीं बेरोजगारी खत्म हो गई है बेरोजगारी उस तरह ही है पहला थोड़ी घट हुई है पर बेरोजगारी हैगी है ये उन्होंने गल एडमिट की पंजाब दे विच उन्होंने चन्नी उन्होंने कहा चन्नी मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने जिहड़े वादे किए हुण तुसी पूरे करो लोगों नूं नौकरियां दिओ जां बेरोजगारी पत्ता दिओ फिर उन्होंने कहा भी देश दे विच इक्को इक राज है जिहड़ा दिल्ली है जिहदा बजट सरप्लस है होर किसे सरकार दा बजट सरप्लस नहीं गा ते असी जिहड़ा करजा ही दिल्ली दे सिर ते वह भी लाता ते बजट सरप्लस किया जे पंजाब दे विच भी सानूं मौका दिओगे करजा भी ला देंगे ते सूबे दे विच मतलब नौकरियां भी देवांगे भ्रिष्टाचार नूं भी नत्थ पावांगे फिर उन्होंने कुछ उदाहरणां भी दित्तियां भी किवें असी भ्रिष्टाचार खत्म किया दिल्ली दे विचों ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਕਤ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆਉਣੇ ਪੇ ਹਮ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਕਿ CM ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕੌਣ ਇਹ ਤਾਂ CM ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ CM ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ
मेरी कई गल होंदी रहिंदी है दोस्तों मित्रों नाल घूम फिर के भी देखी दा थोड़ा जिहा। माझा दुआबा दे विच इन्हां दा कोई जथेबंधक आधार भी नहीं हैगा। ये दिल्ली नालों इंटायरली पंजाब डिफरेंट हैगा। दिल्ली एक मैट्रोपोलिटन सिटी है, उत्थे मतलब जिहड़े हल्के 70 ने उन्हां दे विच 15-20 हल्कियां च बंदा एक वारी चले जांदा, एक दिन च तय करे जां दो दिनां च मतलब चल जांदा। पंजाब च एडा आसान नहीं गा, पंजाब च थोड़ा हटवा है फासला है, तो पंजाब दीआं मुश्किलां वक्री किस्म दीआं ने। इहनां नूं किवें हल करनगे, की करनगे, इह सवाल जिहड़ा उहनां ते खड़े रहणगे। मतलब अजे उहनां ने वादे कीते आ, पहलां 300 यूनिट दा वादा देण दा कीता सीगा, उह जिहड़ा वादा जिहड़ा इहनां ने कीता, उह तों बाद जिहड़ा कल पंजाब वजारत दी मीटिंग होई, उस तो वजारत की मीटिंग तो बाद जिहड़े मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने ऐलान करता भी असी जिन्ने भी लोगों के बकाए आ, जिन्हां दे 2 किलोवाट के बिजली के कनैक्शन आ, उन्हां दी गिणती 53 लाख परिवार ने बनती। उन्हां दा जे कोई डिफाल्टर भी है जां किसी ने बिल नहीं भरिया, सारयां दे माफ, बिल सरकार आप भरेगी, कनैक्शन जिन्हां दे कट्टे वह कनैक्शन भी लवावांगे। तो ये उपर 1200 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, ये पंजाब सरकार देगी। पंजाब सरकार कितों देगी? पंजाब सरकार के खजाने की हालत कोई चंगी नहीं गी। पंजाब जड़ा ये लगभग 3 लाख करोड़ करजे के बोझ हेठ है, ये करजा होर वधेगा। ये करजा कितों किवें किया जाएगा, ये सवाल अपनी थान पर खड़ा रहेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने ऐलान करता तो वह करना पेगा, तो कनैक्शन जोड़ने पैणगे, तो दूजे 1200 करोड़ की जड़े वो एक सबसिडी जी देनी पेगी। ये कल उन्होंने वड्डा ऐलान किया। इहदा मंतव की सी वी आम जनता जी आ गरीब तो आम जनता नूं बिजली जी दित्ती जाए, तो इहदा एंगल जड़ा वो चोणा ने भी चोणा आ रही ने, तो इस करके आम जनता नूं नाल जोड़िया जाए। इसे पहला जिहड़ा केजरीवाल ने भी यही ऐलान किया सी वी असीं हर परिवार नूं 300 यूनिट मुफ्त बिजली देवांगे, उदों भी काफ़ी वाद विवाद होया सीगा, हुण भी वाद विवाद होएगा, मतलब भी पैसा लिआउणा कित्थों, ये सवाल जिहड़ा हैगा। सो ये कल चन्नी हुणा ने वड्डा ऐलान किया सीगा, उहदे नाल ये भी उन्होंने कहा भी असीं जिहड़ा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण वाला उहदे ते भी गौर कर रहे हैं, वह भी लियावांगे। पहला 200 यूनिट तो दिते ही जा रहे पंजाब दे विच, वो हैगे आ अनुसूचित जातियों नूं, ओबीसी नूं ते फ्रीडम फाइटर नूं, उन्हां नूं दिते जा रहे। पंजाब दे विच पंजाब जिहड़ा बिजली सबसिडी जिहड़ी आ वह 1100 करोड़ तो वध ही दिंदा, उहदा वड्डा हिस्सा जिहड़ा वो किसानी नूं आ, दूजा हिस्सा जिहड़ा इंडस्ट्री नूं आ, तीजा हिस्सा जिहड़ा अनुसूचित जातियां ते होरां नूं ने। मतलब इस तरीके नाल पंजाब जिहड़ा 11000 करोड़ की एनुअल जी बिजली सबसिडी दिंदा है, तो ये जी बिजली सबसिडी बिल जिहड़ा जिहड़ा 11000 करोड़ का सी 12000 करोड़ तो उपर हो जाएगा, 12.5 हज़ार करोड़ हो सकता जां इस तों भी उपर जा सकता। ये एक नवा जिहड़ा अजे चोणा होणियां, चोणा होण तक सरकार होर की ऐलान करेगी, की सहूलतां देगी। सवाल ये आएगा कि सरकार की जिहड़ी कारगुजारी है, कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी कारगुजारी है, जिन्नियां ये रहतां दे रहे उन्होंने दा बदल बन सकेगी जा नहीं बन सकेगी? ये ठीक है चन्नी हुणी जिहड़े उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा जिहड़े आम जनता जांदे आ सैक्रटेरीएट च मिलण च कोई दिक्कत नहीं बाली हैगी, उहदे च होरां लई भी खोल दिता गया, एक किसान दे घर रोटी खाधी है, गरीब किसान दे घर। कितने कितने कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं आ वी मंजूर नहीं सी क्योंकि चन्नी इदां आम लोकां विच विचर रही सी, क्योंकि सिद्धू साहब आप नहीं विचरते। सिद्धू साहब टुब्बिया मारते हैं, जो उन्होंने अस्तीफा दिता सीगा 1.5 साल तक किसी नूं नहीं मिले। हाँ जी। मतलब अपने राम जिवें समाधि ला लैंदा है ओह जी हालत सीगी, मतलब नहीं मिले, हुण मिलना शुरू किया। उन्हां दा जदों असीं मसला डिस्कस करांगे उन्हां दे बहुत सारे सवाल ने उन्हां दे बारे भी इन्हां सवालों का हल वह की करनगे। मतलब इन्ना कह देना मैं मुद्दों की राजनीति करदा ये गल काफ़ी नहीं गी, गल तुसीं प्रैक्टिकली की करदे हो वो हैगे आ, असीं समझदे हां कि ये मामले हल होने चाहिए। मतलब इहदे ते ही गल कर लैंदे भी जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू ने मामले उठाए है, ठीक है उन्होंने कहा भी दागी मंत्री कैबिनेट नहीं होने चाहिए, असीं नवजोत सिद्धू ते गल कर लें भी जदों लिस्ट बनी
मंत्री सहु चुकानी चाहिए है तो लास्ट मूवमेंट तक जो कुलजीत नागरे का नाम कट के काका रणदीप नाभे का नाम पिया गया वो लिस्ट जी है उहदे विच नवजोत सिद्धू नूं पता मुख्यमंत्री नूं पता मतलब ये जी लिस्ट है इवें जी बनी तो जो पंजाब प्रधान हुंदा वो ये सारे प्रोसैस दे विच शामिल हुंदा जो लिस्ट बन गई उदों तो इन्हें कोई किंतु नहीं किया इन्हों किंतु तो उदों ही करना चाहिए है भी यह बंदा जिहड़ा दागी इहनूं पिछली सरकार च कढ़िया गया साडी सरकार च कढ़िया गया इन्हों दुबारा ना लो उहदे ते रौला पाउणा चाहिए फिर वजारत ने सहु चुक ली नवी वजारत दे विच जिहड़े मंत्री शामिल किए गए इन्हां वधाइयां दित्तियां उस दिन चन्नी नाल सी उस दिन कहिंदे वी चन्नी बाई है मुख्यमंत्री नाल गल कीती इन्हां ने कहा भी मैनूं इह वधिया ढंग नाल इह चल रिहा सारा काम काज ये गल्लां कहीआं हुण जिहड़ा मसले आ जिहड़े लोक आ जां इन्हां दे विरोधी ने जां इन्हां दे हमायती भी ने वो एक सवाल पुछ रहे भी इन्हां कोल लोकल बॉडीज मंत्रालय सीगा उहदे विच इन्हां की खास कीता की मामले किते की नवां मॉडल की पेश कीता लोकल बॉडीज दे विच महकमे च जिवें बाकी महकमे च करप्शन आ उहदे च भी उवें ही करप्शन आ तुसीं देखो करप्शन पंजाब दे विच कित्थे कित्थे थाणे एक तहसीलां दो इन्हां दा महकमा जिहड़ा स्थानक सरकारां दा महकमा मतलब कोई फाइल तुरदी नहीं बिना पैसे तो इन्हां दे समय च भी फाइलां नहीं तुरियां सो इन्हां नूं एग्जाम्पल सैट करनी चाहीदी सी कल्ला कहण नाल ही असीं इन्हां दी मुद्दियां दी राजनीति नाल सहमत हाँ पर प्रैक्टिकल भी करना चाहीदा सीगा इस गल दे उपर जिहड़े साबका मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दे भी यही कहना भी इन्हां कोल अपना महकमा नहीं चला सके जिहड़ा बिजली दा महकमा इन्हां नूं एक्सैप्ट करना चाहीदा सी उहदे च पीपीए दे मामले ते पंगा लै सकदे सी ये कह सकते सी भी ये पीपीए जिहड़े रद्द होने चाहिए ये कर दे मतलब चैलेंज एक्सैप्ट कर दे चैलेंज एक्सैप्ट करके अगे वधे अमरिंदर सिंह लई नवीं मुसीबतां खड़ियां कर सकते पर यह अस्तीफा दे के एस्केप वाला रूट अपना लिया इवें नहीं कम चलता पहला एक बंदा मिलिया होया सी उत्ते मतलब तुसी पत्थर सुट्टी आने उस तो बाद तुसी आप तुसी कल्ला कह के नहीं भी आ हल होना चाहिए जदों तैनू मौका मिलता तैनू वो जड़ी गल करनी पैगी अमल करना दिखाना पैगा लोगों रिजल्ट देने पैणगे बिना रिजल्ट दित्तिआं तुसी कहो भी आ कुछ होना चाहिए वो नहीं होएगा फिर तुहाडी अपनी कारगुजारी दे उपर भी सवाल खड़े होंदे भी तुसी पार्लीमेंट दे विच 10 साल रहे 10 सालां दे विच तुसी कि मुद्दे उठाए टोटल तुहाडी 17-18 साल की जिहड़ी आ वह पोलीटिकल कैरीयर बनदा 19 साल का होएगा भी इन्हां समयां दे विच तुसी की कीता कल्ले मुद्दे उठाउणा ही कम नहीं गा उन्हां नूं हल करवाउणा हुण तां तुसी पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सीगे मतलब हाई कमांड ने तुहाडी ने तुहानूं एक जिम्मेवारी दित्ती पहला तुहानूं प्रधान बनाया उस तों बाद तुहानूं जिहड़ा तुहाडे कहण दे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नूं बदलता मतलब ये दो वड्डियां गल्लां तुहाडियां मनियां गईयां तुसी उस हाई कमांड नूं फिर टैस्ट दे विच पाता फिर नाराज होकर बच्चों की तरह अस्तीफा दे के जा रहे मतलब ये मामले की होए एज ए हैड ऑफ द फैमिली ये मामले तुसी हल करने सीगे तुसी हल करन दी थां दे किनारे ते बह गए किनारे ते बहण के लहरां गिणना कम नहीं होना लहरां आप पैदा करनियां पैणगियां आ मसले हल करने पैणगे जे तुसी इवें भज्जोगे लोक विश्वास नहीं करनगे ताही हाई कमांड भी हुण तवज्जो नहीं दे रहा वो भी 26 घंटे हो चुके ने पर वो बिल्कुल भी सिद्धू नहीं हाई कमांड कोल किन्ने स्टेटां ने जे इन्ना समा एक स्टेट ते देण लगण उह तां फिर कम ही नहीं कर सकणगे ना इन्हां ने सहाई होना सी उन्हां दीआं गल्लां च जिहड़े मामले सीगे इन्हां नूं अंदर बह के लड़ना चाहीदा सीगा इन्हां नूं कहना चाहीदा वी एडवोकेट जनरल जिहड़ा इह गलत बना रहे मैं इहदे तुहाडे नाल सहमत नहीं गा डी जी गलत बना रहे हो मैं इहदे ते वी नहीं सहमत इह बदल के काम करदे तुसीं बाहर निकल के तुसीं बाकियां नूं वी नाल लो ना तुसीं कैबिनेट नूं कॉन्फिडेंस लो उन्हूं सारी कैबिनेट दे सामने मामला रखो वी आह बंदा असीं गलत बणाया इहदे लई सानूं बरगाड़ी बहबल कलां कोटकपूरा गोलीकांड उहदे जवाब दे होना पएगा इन्हें सुमेर सैनी दीआं जमानतां कराईआं इन्हें उमरा नंगल दीआं जमानतां कराईआं ब्लैंकट बेल लैके दित्ती सैनी नूं इस करके इहनूं नहीं बणाया जाणा चाहीदा इह कैबिनेट किवें सहमत हुंदी कैबिनेट तां इन्ना सहमत होणी सी ना कि मुख्यमंत्री ना होणी सी इस करके जिहड़ा तुसीं रौला पा रहे हो बाहर पा रहे हो उह रौला बैठ के अपने घर च पाओ मतलब लोग की इहदे तों तुहाडे तों समझण लोग किधर नूं जाण
मतलब ये गल्ला जड़ियां तुसी अपने घर च बह के सुलझाओ, घर च बह के तुहानू जिम्मेवारी दित्ती। अल्टीमेटली गल तो इत्थे आ जाती है ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।